अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ विकास अली अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। जी फ्रेंड्स, आज हम 3D बैलून टेक्चर बनाएंगे, जिसको जो कि फुटबॉल की मदद से बनाएंगे, लेकिन उसको ऐसे आपको महसूस होगा कि जैसे ये उभरा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बेस लगाई हुई है वाइट कलर ऑयल पेंट की। तो इसके बाद जो हमने इसको अच्छी तरह से कुश करने के बाद जो कि आई क्यूब का इस्तेमाल करना है, वो है ग्रीन कलर ले लेंगे। सबसे पहले हमें इसके ग्रीन कलर को ऊपर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद जो है वो भी आपको दिखाएंगे कि इसका अगला स्टेप जो है वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हमने आई क्यूब थोड़ी सी डालकर तो इसमें मिट्टी का तेल डाल लेना है। इस तरह से कर लें तब भी ठीक है, अगर आप इसको अलग से बनाकर यूज़ करें तब भी बेहतर है। ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त डिज़ाइन आप क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इसको शूट करेंगे। तो ये आयल ट्यूब डालकर इसको हमने मिट्टी के तेल में इस तरह से मिक्स कर देना है। और इसके ऊपर जो हमारी जगह है, जो हमारी बेस बनी हुई है, जो हमारी सतह है, उसके ऊपर हमने इस तरह से इसको अप्लाई करना है। आज ये हम आपको डबल शेप में ये 3D बैलून टेक्चर जो है वो आपको दिखाएंगे। तो और ये उसी वाला डिजाइन तैयार हो चुका। इस तरह से हमने जो हमारी बेस है, लेकिन जगह की सतह जो है वो आपकी अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसके लिए आप छोटे छोटे पीस लगाकर उसको मुकम्मल करेंगे। एक मुकम्मल एक बार के आपने कर लेना है कलर को। तो दूसरा स्टेप जो है इसका, ये इस तरह से हमने इसकी जो कपिंग है, इसकी टचिंग है, इसको इस तरह से हम अप्लाई करते जाएंगे उसी मलमल कपड़े के साथ। और तीसरा स्टेप जो है वो भी आपके साथ दिखाऊंगा। इसमें कम से कम 4 हम स्टेप में 2 कलर यूज करेंगे, लेकिन इसके स्टेप जो है वो कम से कम 4 स्टेप हैं। वो चारों आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये हमारा दूसरा स्टेप जो था वो कम्प्लीट हो गया। और अब हम तीसरा स्टेप जो इसको लेंगे वो है ये ऑयल। ये जो मिट्टी का तेल है इसको हम थोड़ा सा ऊपर डालेंगे, थोड़ी थोड़ी जगहों पर, ज़्यादा नहीं, चंद बक्सों पर हम इसको एडजस्ट करने के लिए चंद कतरे इसके डालकर ये थोड़ी सी इस तरह से आपको शक्ल नजर आएगी इसकी। अगर आप चाहें तो इसमें चंद कतरे हैं वो पेट्रोल के भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये आपकी ये शक्ल जो तैयार हो चुकी है। जो है स्टेप वो भी आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसके ऊपर जो रोज़ कलर है उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। चंद जगहों पर इसका जो है वो चंद कतरे इसके डाल देंगे। इसका थोड़ा सा तरीका डिसेंट सा है, लेकिन है बहुत इजी। तो इसको हम इस तरह से करके, तो उसके बाद जो है वो हम फिर मलमल कपड़े के साथ इसको इस तरह से इसको हल करना है। यानी जिस जिस जगह पे हमने इसको बनाया है, इसके डार्ट्स लगाए हैं, वहीं इसको हमने अप्लाई करना है। इसको पूरे फेस पे जो हमने वो नहीं करना, कवर नहीं करना,
जस्ट थोड़ी थोड़ी जगहों पे इसको हम इस तरह से करते हैं। इसकी जो शेप है वो 3D इफेक्ट देगी इंशाल्लाह। अब ये करने के बाद हम देखेंगे इसको अब क्या करना है। ये हमारा जो कलर बेस्ड प्रोसेस था वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको फुटबॉल की मदद से हम इसको 3D करेंगे। ये है हमारा जो कि फुटबॉल, इसकी हवा हमने ज़्यादा नहीं रखनी, इसमें थोड़े सा लूज रखना है। इस तरह से इसको थोड़ा सा कलर निकाल लेना है हल्का सा। उसके बाद हम इसको इस तरह से हमने इसको जो कलर अप्लाई किया था वो था रोज कलर, लेकिन अब ये वो नहीं था क्योंकि जैसे ही हमने इसे को दूसरे कलर में ऐड किया है इसका कलर शेड थोड़ा है फौरी तब्दील हो चुका है। अब ये ग्रे कलर टैब में जब आपको ये चीज़ का पता चलेगा तो इंशाल्लाह ये बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। ये देखिए कितना ये ज़बरदस्त फैन हमारा गेट हो चुका होने वाला है। इसको सीलिंग पे वॉल पे जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहें वहाँ ये बहुत एक ज़बरदस्त कमाल का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो डिज़ाइन था वो मुकम्मल हो चुका है। वीडियो पसंद है, उम्मीद है कि आपको इसकी ज़रूर समझ आ गई होगी। तो इस ये देखिए कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है आपको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान। ये देख